हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 10th सीबीएसई। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 3। बी मैंने यहां पर 3 क्यों लिया, 9 जो है वो क्या है, 3 से डिविजिबल है, ठीक है, और प्राइम नंबर लेते हैं हम तो 3 आएगा यहां पे वैल्यू। नेक्स्ट हम करेंगे यहां पर वाई यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन बी, ठीक है। तो यहां पर ए इज इक्वल टू इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, 3q प्लस आर, और आर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 3, ये चीज बनेगी। तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, पुट आर इज इक्वल टू 0 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, ये भी लिख देना, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर इज इक्वल टू 3 से स्मॉलर लेंगे 0, 1 एंड 2। तो पुट आर इज इक्वल टू 0, देन ए की वैल्यू कितनी आएगी, 3q प्लस आर की जगह 0 पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू 3q, ये टर्म आएगी हमारे पास, 3q प्लस 0 आएगा, ए इज इक्वल टू 3q, ये आ गया। पुट आर इज इक्वल टू 1, देन ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ठीक है। पुट आर इज इक्वल टू 2, देन ए इज इक्वल टू 3q प्लस 2, तो ये इक्वेशन बनेगी, ए इज इक्वल टू 3q, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। अब हमें क्वेश्चन में कहा था टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1, इफ ए इज इक्वल टू 3q, क्यूबिंग बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ए क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27q क्यूब। तो यहां पर हम ए क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा 3q का क्यूब, 9 3 27। तो यहां पर हमारे पास वेयर, यहां पर लिखोगे m इज इक्वल टू a क्यूब इज इक्वल टू 9m, m की जगह हमने क्या पुट किया, m था यहां पर 3q का क्यूब, तो 3q क्यूब की जगह हमने m लिखा, 9m आ गया हमारे पास, वेयर m इज एन इंटीजर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। स्टेप 2 में हमारे पास आएगा, स्टेप 2, इफ ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1, इफ ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1, अगेन क्यूबिंग द बोथ साइड करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा हमारे पास, ए क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब। अब देखो ए प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहां पर ए की वैल्यू है हमारे पास 3q और बी की वैल्यू है हमारे पास 1, तो क्या आएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1, और ब्रैकेट में लिखोगे 3q प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब
27Q³ + 1 + 3 3s 9, 9Q और 9Q से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 27Q² + 3 3s 9, 9 × 1 तो 9Q आएगा हमारे पास। ये चीज आ गई। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 27Q³ + 27Q² + 9Q² + 1। तो यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 9 ब्रैकेट में आएगा, 9 3s 27, Q³ + 3Q² + Q² ब्रैकेट के बाहर आएगा +1। तो इसको लिख लेंगे A³ = 9m + 1, ब्रैकेट में लिखोगे वेयर m = 3Q³ + 3Q² + Q² एंड m इज एन इंटीजर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 दे दोगे इसको। नेक्स्ट स्टेप 3 आएगा हमारे पास, इफ A = 3Q + 2, तो A की वैल्यू पुट करेंगे 3Q + 2, अगेन क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, A³ = 3Q + 2 होल क्यूब। अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A+B का होल क्यूब, तो ये बन जाएगा हमारे पास A³ = 3Q³ + 2Q + 3 × 3Q × 2, ब्रैकेट में आएगा 3Q+2, तो कितना आ जाएगा 3Q³, 27Q³ प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 प्लस 3 3s 9, 9 × 2 = 18, तो 18Q ब्रैकेट में आएगा 3Q+2। सॉल्व करेंगे A³ = 27Q³ + 8 + 18 3s 54Q² + 18 × 2 = 36Q, तो इसको कैसे लिख लेंगे हम, A³ = 27Q³ + 54Q² + 36Q + 8। ठीक है, तो यहां से हम 9 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा 3Q³ + 6Q² + 4Q, ब्रैकेट के बाहर +1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A³ = 9m + 1, इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। और यहां पर हमारे पास m की वैल्यू कितनी आएगी, 3Q³ + 6Q² + 4Q, वेयर m इज एन इंटीजर। ठीक है, यहां पर क्या आया हमारे पास, A³ = 8 आएगा, +8 था तो 8 आएगा 1 की जगह। ठीक है, तो यहां से देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, यहां से हमारे पास क्या आई, देयरफोर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हमारे पास वैल्यू A³ की वैल्यू आई हमारे पास 9m, 9m + 1 एंड 9m + 8, ये वैल्यूज आई हमारे पास। तो लास्ट में लिखेंगे दस x³ of any positive integer can be the form of 9m, 9m + 1 and 9m + 8। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, और यही चीज हमें क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।